झारखंड में एक पिता ने ससुराल में प्रताड़ना का शिकार हो रही अपनी बेटी को सम्मान के साथ उसके ससुराल से अपने घर ले जाने के दौरान पूरे उत्साह के साथ बैंड बाजा बजवाया, आतिशबाजी करवाई। अमूमन ये देखा जाता है कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं, उनका मायका छूट जाता है और ससुराल ही उनका घर हो जाता है। ससुराल में बेटी खुश हो या दुखी, इससे मायके वालों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के कैलाश नगर के रहने वाले प्रेम गुप्ता एक ऐसे पिता हैं जो दुनिया भर की बेटियों के पिता के लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं। शादी के महज कुछ महीनों बाद से ही ससुराल में प्रताड़ना का शिकार हो रही अपनी बेटी के सम्मान की रक्षा करते हुए प्रेम गुप्ता ने बेटी को घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि पूरी धूमधाम से उत्सव के रूप में बैंड बाजा बजवा कर आतिशबाजी करते हुए अपनी विवाहिता बेटी को ससुराल से मुक्त करवा कर हमेशा के लिए अपने घर लौटा लाए हैं। प्रेम गुप्ता की बेटी साक्षी गुप्ता की शादी 28 अप्रैल 2022 को पूरी धूमधाम के साथ झारखंड बिजली वितरण निगम के अभियंता के पद पर कार्यरत सचिन कुमार के साथ हुई थी। बाद में खुलासा हुआ कि सचिन कुमार पहले से ही शादीशुदा था और उसने दो शादियां कर रखी थी। जब साक्षी को अपने पति की पहले से शादीशुदा होने की जानकारी मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, पर समाज और लोक लाज के कारण साक्षी पति सचिन की गलतियों को नजरअंदाज करके अपने वैवाहिक जीवन को बचाने में जुट गई। लेकिन बेटी की बदहाली प्रेम गुप्ता से देखी नहीं गई। उन्होंने एक साहसिक फैसला लेते हुए बेटी साक्षी को घर वापस लाने का फैसला किया और जितनी धूमधाम से उसे विदा किया था उतनी ही धूमधाम से उसे घर वापस ले आए। रांची झारखंड से मैं, जो भी मेरे झारखंड वासी या जितने लोग भी हैं, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सबने तहे दिल से मेरा स्वागत किया है और मुझे बहुत बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि मुझे इतना प्यार, इतना सब कुछ रिस्पेक्ट मिल रहा है वहाँ से आने के बाद। बीते कल में मेरे साथ जो भी हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, मैं अब उसे याद नहीं करना चाहती हूँ। हमारे कोर्ट में समझौता हो चुकी है और मेरे माता पिता मुझे घर ले आए हैं और मुझे ऐसे गाजे बाजे के साथ लेकर आया गया है, तो मुझे बहुत बहुत खुशी मिल रहा है। साक्षी गुप्ता ने धोखेबाज पति सचिन से तलाक को लेकर कोर्ट में अर्जी दे दी है, साथ ही उसने गुजारा भत्ता के लिए भी आवेदन दिया है जिसे ससुराल पक्ष ने मान भी लिया है। तलाक के बाद साक्षी को इस फरेब से आज़ादी मिल जाएगी। फिलहाल तो बधाई के पात्र प्रेम गुप्ता हैं, जिन्होंने सामाजिक मान्यताओं को दरकिनार करते हुए बेटी की खुशियों को सबसे ऊपर रखा और एक नई मिसाल पेश की।